दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे स्प्लाइसिंग मशीन में जो एक एरर आता है स्प्लाइसिंग करने का टाइम। कभी कभी ये आता है, हर किसी का साथ ही ये सिचुएशन होता है। तो इसमें जो एरर आता है जेडर मोटर ट्रेवल एरर आता है या जेडर मोटर ओवररन ऐसा कुछ एरर दिखाता है मशीन में। तो ये आखिर क्यों आता है और इसका क्या सोल्यूशन है, इसका बारे में इस वीडियो में कम्प्लीट बात करेंगे। और इस वीडियो में आपको ऐसे जानकारी देंगे जो आपको कभी भी अगर मशीन में कुछ ऐसा एरर दिखाता है तो परेशान होने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा और बहुत ही आसानी से आप इस प्रॉब्लम को जो है सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम है ये चार पांच रीजन से आता है, हर एक रीजन के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दिस प्रॉब्लम कैन ओकर फॉर वेरियस रीजन, तो ये बहुत सारा रीजन से आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे स्प्लाइसिंग मशीन का अंदर में जो मोटर रहता है उस मोटर का प्रॉब्लम का वजह से भी आ सकते है, और इसमें जो होल्डर रहता है होल्डर का प्रॉब्लम का वजह से भी ये एरर जो है आ सकता है। उसके बाद जो फाइबर अगर डैमेज होता है तब भी ये प्रॉब्लम आ सकता है, और फाइबर बैठाने का जो तरीका है वो अगर सही नहीं होता है तब भी ये प्रॉब्लम आ सकता है, और अगर सॉफ्टवेयर का कुछ प्रॉब्लम हो तब भी ये प्रॉब्लम आ सकता है। दोस्तों, यहाँ पे नॉर्मली जो मशीन का ऑपरेटर है वो आखिर कौन कौन सा प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, तो इसका बारे में यहाँ पे बात करेंगे। अगर हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर का वजह से इस तरीके का प्रॉब्लम आता है तो ये मशीन ऑपरेटर का हाथ में नहीं होता है, इसको ठीक करने का परमिशन भी नहीं होता है, परमिशन कह सकते हैं, पावर भी कह सकते हैं, उसका हाथ में नहीं होता है। अगर हार्डवेयर का प्रॉब्लम है तो ये मैकेनिक ठीक कर सकता है, और सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम होने से भी इसका सॉफ्टवेयर का मैकेनिक इसको ठीक कर सकता है। लेकिन ये दोनों का अलावा और भी कुछ कारण का वजह से जो एरर आता है उसको एक ऑपरेटर ठीक कर सकता है। तो यहाँ पे कौन कौन सा प्रॉब्लम जो है एक मशीन ऑपरेटर ठीक कर सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं जो होल्डर प्रॉब्लम है इसको एक ऑपरेटर ठीक कर सकता है, फाइबर डैमेज को भी ठीक कर सकता है, और उसका जो सही प्लेसिंग है इसको बैठाने का सही तरीके को भी एक ऑपरेटर ठीक कर सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको दिखाते हैं जो होल्डर प्रॉब्लम आता है उसको कैसे सॉल्व किया जाता है और उसमें क्या प्रॉब्लम आता है। तो चलिए आपको लेके चलते हैं मशीन पे। तो दोस्तों, इस मशीन पे आप देख सकते हैं जो होल्डर है इसका, होल्डर का इस जगह में और इसका ये वाला जगह में आप देख सकते हैं दो रबर लगा हुआ है जो फाइबर को टाइट करके पकड़ता है। तो ऐसा होता है धीरे धीरे ये रबर जो है फाइबर के साथ घिसते ये जगह पे रबर खराब हो जाता है और बाद में फाइबर को टाइट से अच्छे से नहीं पकड़ता है, और इस वजह से फाइबर जो है स्लिप हो जाता है। जब मशीन फाइबर का अलाइनमेंट मिलाने का कोशिश करता है, फाइबर को खींच के अलाइनमेंट मिलाता है, तब उस टाइम पे क्या होता है फाइबर स्लिप हो जाता है होल्डर से और मशीन इसका अलाइनमेंट नहीं मिला पाता है। फाइबर जो है इलेक्ट्रोड का आसपास में पहुंचता ही नहीं है, सिर्फ होल्डर आगे आता है लेकिन फाइबर स्लिप हो जाता है। तो इस वजह से जो है जेडर मोटर ओवररन दिखाता है, ऐसा एरर आता है, या जेडर मोटर ट्रबल भी दिखाता है। दोस्तों, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है अगर टेम्पोररी का बात किया जाए तो इसमें आप ऐसा कर सकते हैं, इसमें टेप लगा के ऊपर में जैसे इस जगह पे एक टेप लगा सकते हैं और नीचे में भी एक टेप लगा के आप इसको टेम्पोररी काम चला सकते हैं, लेकिन ये परमानेंट नहीं है। इसको परमानेंट करने के लिए यहाँ पे जो है इसका जो रबर है ऊपर नीचे दोनों रबर को आपको चेंज करना पड़ेगा, और चेंज करने के बाद ये आपका प्रॉब्लम जो है परमानेंट सॉल्यूशन हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं जो दूसरा प्रॉब्लम है फाइबर डैमेज। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जब फाइबर ट्यूब का अंदर होता है या केबल का अंदर होता है तो उस फाइबर में जेली लगा हुआ होता है जिसका वजह से फाइबर जो है बहुत अच्छे से रहता है, नॉर्मली फाइबर डैमेज नहीं होता है, उसमें जेली लगा हुआ होता है और इसका वजह से जो है इसमें कोई हवा या धूप बारिश इसमें कुछ भी नहीं टच करता है और ये फाइबर सही रहता है। लेकिन जब ट्यूब से बाहर निकाल के इसको एल्कोहल से सफा करके ट्रे में रखा जाता है तो उस टाइम पे क्या होता है इसमें जेली भी नहीं रहता है, और इसका वजह से जो है ये धीरे धीरे डैमेज होता है। इसका टच में एयर भी आता है, सनलाइट भी आता है और वाटर का भी टच में ये आता है, तो इसका वजह से जो है ये धीरे धीरे डैमेज होता जाता है। तो इस डैमेज का वजह से बाद में क्या होता है इसका ऊपर में जो क्लैडिंग होता है तो ये ऐसा डैमेज हो जाता है कि स्टिपर से इसको स्टिप करने का भी जरूरत नहीं पड़ता है, हाथ से अगर आप इसको खींचेंगे तो ये ऑटोमेटिक जो है स्टिप हो जाता है। ऐसे फाइबर को जब आप क्लिप करके इसको मशीन में जॉइंट मारने के लिए बैठाते हैं तो होल्डर इसको जब टाइट करके पकड़ता है उस फाइबर को और मशीन इसका अलाइनमेंट मिलाने के लिए होल्डर को बीच में खींचता है तो उस टाइम पे क्या होता है इसका कलर कोटिंग और क्लैडिंग जो है वो खींचता है, लेकिन उसका ओरिजिनल अंदर का जो कोर है वो नहीं खींचता है, वो आगे नहीं जाता है और इसका अलाइनमेंट नहीं मिला पाता है मशीन।
होल्डर सिर्फ उसका क्लेडिंग को खींच के आगे लेके चलता है और उसका जो कोर है वो आगे तक नहीं पहुंचता है, वो जगह में रह जाता है और इसका वजह से मशीन में जो है जेडर मोटर ओवररन या जेडर मोटर ट्रेवल भी दिखाता है। दोस्तों ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होता है मेंटेनेंस पे, ये प्रोजेक्ट पे इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर बाई चांस ऐसा हो भी गया तो प्रोजेक्ट में इस केबल को काट के नया प्रिपरेशन करके इसमें आराम से ज्वाइन मार सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन सबसे प्रॉब्लम ज्यादा होता है मेंटेनेंस का काम पे, तो मेंटेनेंस करने का टाइम पे ये जो है अगर लाइफ फाइबर हुआ तो आप इसको ज्यादा टाइम तक डाउन नहीं रख सकते लिंक को और आपको जल्दी जल्दी करना पड़ता है। तो ऐसा टाइम पे आपका सामने बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है कि जैसे ही वो फाइबर को ज्वाइन मारना है तो बार बार ऐसा मोटर ट्रेवल एरर दिखाएगा तो आपको और भी तकलीफ ज्यादा होता है। तो आप इसको ऐसा कर सकते हैं, आपको फाइबर में थोड़ा एल्कोहल लगा देना है और थोड़ा सा टिश्यू लेके उसमें टिश्यू में भी थोड़ा एल्कोहल डाल के टिश्यू का अंदर फाइबर डाल के उसके बाद आप होल्डर में अच्छे से इसको टाइट के बैठा के आप ट्राई करके देख सकते हैं, हो सकता है ज्वाइंट हो जाए। अगर नहीं होता है तो इसका एक ही सोल्यूशन है, आप इसको नया प्रिपरेशन करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका फाइबर जो है ज्वाइंट नहीं होगा। दोस्तों ये प्रॉब्लम को समझेंगे कैसे, तो ये प्रॉब्लम समझने के लिए अगर ऐसा आपको एक बार मिस दिखा रहा है तो आप पहले इसका होल्डर चेक कर सकते हैं, होल्डर में कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर होल्डर ठीक है तो फाइबर में आप क्लैडिंग को पकड़ के खींच के देख सकते हैं कि क्लैडिंग निकल के आ रहा है कि नहीं। अगर निकल के आ रहा है तो फाइबर में आपका प्रॉब्लम है, और अगर फाइबर प्रॉब्लम नहीं है तो होल्डर में प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये चीज आपको देख के आपको इसका जो प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन करना है। और तीसरा प्रॉब्लम आता है जैसे कि फाइबर बैठाने का टाइम, जैसे मशीन को अगर आप रिसेट करते हैं तो उस टाइम पे आप देख सकते हैं मशीन का जो होल्डर है दोनों होल्डर पीछे साइड में चला जाता है, और जैसे फाइबर बैठा के इसको सेट में क्लिक करते हैं तो ये होल्डर जो है धीरे धीरे इसका अलाइनमेंट मिलाने के लिए आगे आता है। जल्दी जल्दी काम करने का टाइम अगर आप रिसेट मार के साथ साथ में फाइबर बैठा देते हैं और उसके बाद मशीन का होल्डर अगर पीछे जाता है तो उस टाइम पे भी आपका फाइबर जो है होल्डर का अंदर चला जाता है इसका कोर, और जैसे आप फिर से इसको ज्वाइंट मारने के लिए सेट पे क्लिक करते हैं तो फाइबर का कोर जो है वो आके इलेक्ट्रोड का पास नहीं पहुंचता, होल्डर आगे आता है लेकिन इसका फाइबर जो है वो फाइबर अंदर ही रह जाता है, वो आगे नहीं पहुंचता है। जब आप फाइबर बैठाते हैं तो आपका होल्डर जब सेट हो जाता है आप रिसेट पे क्लिक करने के बाद जब होल्डर बैक हो जाता है ऑटोमेटिक और रुक जाता है तब आपको फाइबर बैठाना है सही से, और अगर उस टाइम पे भी आपका फाइबर थोड़ा पीछे रह जाता है तब भी आपको एरर दिखाता है। फाइबर बैठाने का टाइम आपको थोड़ा ध्यान रखना है तो आपका ये एरर भी नहीं आएगा। और इस प्रॉब्लम का परमानेंट सोल्यूशन यही है कि आप ध्यान रखें रिसेट मारने के बाद जैसे ही होल्डर रुक जाता है बैक होके उसका बाद ही आप फाइबर बैठाएं, और फाइबर बैठाने का टाइम आप सही से देखें कि फाइबर जो है सही से बैठा है कि नहीं। अगर फाइबर सही से नहीं बैठा है तो फाइबर को सही से बैठाने से इसका प्रॉब्लम परमानेंट सोल्यूशन ही है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, और इस तरीके का वीडियो आपके लिए मैं लाता रहता हूँ, तो इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं किसी और एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।